शीट नंबर 40 के अंदर आपको क्या गिवन है? अ बॉडी जिसका मास गिवन है इज रिवॉल्विंग अबाउट एन एक्सिस इन अ सर्कुलर पाथ. द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन इज 50. क्या निकालना है? फाइंड द मोमेंट इनर्शिया ऑफ अ बॉडी. इसका आई क्या यूज करेंगे? आई का फॉर्मूला रिंग का. ऐसा क्यों? क्योंकि ये बॉडी जब घूमेगी तो रिंग बनेगी. इसलिए गलत. आप ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट यूज नहीं करेंगे. बॉडी बनाई नहीं जाती. हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं रिजिड बॉडीज. रिजिड बॉडीज वो होती हैं जो कि जैसे मर्जी मूव करवा दें. दिस इज रिजिड बॉडी. अगर एक पार्टिकल इसके अंदर फिक्स्ड है, वो फिक्स्ड ही है. पानी की तरह अपना मॉलिक्यूल चेंज नहीं करेगा रास्ता अपना. तो इस एक्सिस से इसकी दूरी अगर 1 सेंटीमीटर, तो एक ही रहने वाली है. तो ये रिजिड बॉडीज है, सॉलिड बॉडीज है. ऐसे बोल सकते हैं, सॉलिड बॉडीज है रिजिड बॉडी. तो पार्टिकल के डिस्टेंसेज सेंटर से सेम रहते हैं, चेंज नहीं होते. तो ये शेप भी चेंज नहीं करती. मूव करने से ये शेप चेंज नहीं करेगी. तो फिर इसमें क्या लगा? इसमें रिंग का कोई फॉर्मूला लगेगा नहीं. ये पॉइंट मास है. उसने क्या कहा? एक बॉडी है, वो बॉडी की कोई शेप तो गिवन ही नहीं है. बस एक पॉइंट ले लिया जाए और ये इसे एक्सिस मानती हुई इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको गिवन है. और जब ये सर्कल में घूमेगी तो पॉइंट मास का हमने फॉर्मूला किया था. पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है? mr². कोई डाउट इसमें? तो ये इंपॉर्टेंट है. देखो, बॉडी बनानी तो बिल्कुल भी नहीं है कि बॉडी ऐसे घूम के ऐसे दिखेगी क्वेश्चन में. बिल्कुल भी नहीं. वो बिल्कुल क्लियर मेंशन करेगा क्वेश्चन में, रिंग है तो रिंग है, डिस्क है तो डिस्क है. और अगर कोई फिगर नहीं है तो फिर वो पॉइंट मास है. बात ही खत्म. फिर पॉइंट मास है. पॉइंट मास का आपको आई तो आता ही है. अब आपको इस क्वेश्चन में मास पता है, आर पता है, आंसर mr², क्योंकि आई का फॉर्मूला पॉइंट मास का क्या होता है? mr². क्लियर है यहाँ तक? पहला क्वेश्चन क्लियर है. जैसे NCERT ना ज़्यादा क्वेश्चन पॉइंट मास पे देती है, ज़्यादा नहीं टेढ़े मेढ़े देती, सीधे क्वेश्चन आते हैं. देखो, फिर पॉइंट मास है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. हाइड्रोजन H2 है. H2 में दो हाइड्रोजन है, एक M और एक M. ये बना हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल. तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, M और M मास है इसका. और क्या निकालना है? I निकालना है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट सेंटर ऑफ मास. ये रहा इसका सेंटर ऑफ मास एंड ये रहा परपेंडिकुलर. तो इसके अबाउट मुझे I निकालना है और मुझे इनके बीच में इंटर अटोमिक डिस्टेंस, ये पूरा डिस्टेंस गिवन है. दो मासेस के बीच में डिस्टेंस गिवन है 4 × 10⁻¹⁰. पर मेरे को सारा डिस्टेंस चाहिए ही नहीं. ये एक पॉइंट मास है, ये एक पॉइंट मास है. इसका एक्सिस से डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस का आधा हो जाएगा. अगर पूरा डिस्टेंस 4 × 10⁻¹⁰ है तो आधा डिस्टेंस 2 × 10⁻¹⁰ है. तो क्या बनेगा? mr² + mr² पहले पॉइंट मास का mr² और दूसरे पॉइंट मास का भी mr² 2 × mr² मास पते आर पते आंसर. मेथड समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें, कि 2 mr² कैसे हुआ? क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? कोई डाउट इसमें? सही है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े. फिर से तीन पॉइंट मासेस हैं, फिर से तीन पॉइंट मासेस हैं.
ठीक है, तो इसमें तीन पार्टिकल्स हैं और इसमें मास कितने हैं, 10 ग्राम है, आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर. तो ये RRR है, मास आपको इसमें गिवन है m और m. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिस्टम निकालना है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन ऑफ द कॉर्नर ऑफ द ट्राइंगल एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन. ये इंपॉर्टेंट है. कह रहे तीन पार्टिकल इक्विलेटरल ट्राइंगल है, कह रहे मोमेंट इनर्शिया निकालना है कि एक वर्टेक्स में से कोई एक्सिस पास कर रहा है. भाई जब एक वर्टेक्स में से कोई भी एक्सिस पास, तुम तो कैसे भी पास कर दोगे, कैसे भी पास नहीं करना. वो एक्सिस इसमें से क्या होना चाहिए, इस प्लेन के परपेंडिकुलर. और प्लेन का परपेंडिकुलर का मतलब कोई भी एक मास ले लो ऐसे, इसका एक्सिस ऐसे है, तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ अ ट्राइंगल. तो एक वर्टेक्स में से पास कर रहा है एक्सिस और परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द ट्राइंगल. तो जरा आंसर देना, अगर एक्सिस यहां से पास करेगा तो मुझे कोई बताएगा कि इस एम का कॉन्ट्रीब्यूशन आई का क्या होगा इस पे, जीरो, क्योंकि एक्सिस के ऊपर पॉइंट है. इसका क्या होगा, एम आर स्क्वायर. इसका क्या होगा, एम आर स्क्वायर. तो फिर क्या बनेगा, 2 mr². आपको मास पता है, आपको आर पता है, केजी में और मीटर्स में कन्वर्ट कर लेना. और इसके यूनिट्स क्या होते हैं, मास के केजी, डिस्टेंस के मीटर स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर. क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है, ठीक है यहां तक. क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है, चेक कर लो, कैलकुलेशन हो जाएगी, सही है, ठीक है ना यहाँ तक. नेक्स्ट है ये क्वेश्चन पढ़े. 4 पॉइंट मासेज, फिर से पॉइंट मासेज है, अभी रिंग डिस्ट स्टार्ट नहीं हुई. 4 पॉइंट मासेज हैं और वे स्क्वायर के ऊपर पड़े हुए हैं, 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर है. इम्पॉर्टेंट ये नहीं है, इम्पॉर्टेंट ये कि एक्सिस क्या है. आपको आई निकालना है, एक्सिस बोलो कहाँ है, कोइंसाइडिंग विद साइड बी सी, कहाँ पर है, ये रहा बी सी. तो इसके अबाउट निकालना है, बी सी के अबाउट. तो बोलो, ध्यान आ गए, बी सी के अबाउट एक्सिस है, तो बोलो इस मास का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, जीरो. इस मास का भी क्या है, जीरो. इस मास का एम इन टू 5 स्क्वायर और इस मास का एम इन टू 5 स्क्वायर. मीटर में कन्वर्ट कर लेना, m into 5 square, एक आंसर आ गया. तो सॉल्व करोगे, वैल्यूज पुट करोगे, 2m मास की वैल्यू 20 ग्राम पुट करोगे केजी में, आंसर आ गया. सेकंड पार्ट भी देखो, अब एक्सेस क्या लेना है, सारी गेम ही एक्सेस के है इसमें. नेक्स्ट है,
नेक्स्ट पार्ट क्या है, अबाउट एन एक्सिस थ्रू ए, अब एक्सिस कहां से पास कर रहे हैं, ए से, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब देखो ए कहां पर है, ये रहा, मैंने जानबूझ के ये थोड़ा बड़ा किया हुआ है क्योंकि एक्सिस ऐसे पास कर रहा है, तो इस मास का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या इसके ऊपर, जीरो है ना, एक्सिस यहां पर है तो ये मास तो कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करेगा, ये क्या करेगा एम आर स्क्वायर, ये क्या करेगा एम इंटू फाइव का स्क्वायर, ये क्या करेगा एम इंटू डायगनल का स्क्वायर, और डायगनल क्या है रूट टू इंटू पांच। इसका जो डायगनल है इसकी लेंथ क्या होती है, स्क्वायर का डायगनल है रूट टू इंटू और रूट टू इंटू फाइव। फिर देखो अगर ये एक्सिस है तो m इंटू पांच का स्क्वायर, m इंटू पांच का स्क्वायर, m इंटू रूट टू इंटू पांच का स्क्वायर, क्लियर है यहां तक, तो इसके अंदर चेक करो m इंटू पांच का स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट कर लेना, m इंटू पांच का स्क्वायर m इंटू रूट टू इंटू पांच का स्क्वायर, तो मास पुट करके आंसर निकाल लेना। आंसर पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कि क्या लॉजिक है इसका। समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसका, मेथड कैच कर पा रहे हो, पॉइंट मासेज में तो कुछ करना ही नहीं है, पॉइंट मासेज दुनिया के सबसे आसान क्वेश्चन है, रिंग डिस्क में तो फिर भी सोचना पड़ रहा है एक्सेस क्या होगा, पॉइंट मास में तो एम आर स्क्वायर लगाना है, कुछ करना ही नहीं है इसमें। नेक्स्ट फिर से पॉइंट मासेज हैं पर इस बार राइट एंगल ट्राइंगल पर पड़े हुए हैं, तीन पॉइंट मासेज डायग्राम में गिवन है और आपको क्या निकालना है, अबाउट एन एक्सेस थ्रू ए, ये लो क्या करना है, अबाउट एन एक्सिस थ्रू ए एंड परपेंडिकुलर टू दी प्लेन, ये लो ये रहा आपका एक्सिस, ध्यान आगे, अब इस एक्सिस में क्या होगा, इस मास का कॉन्ट्रीब्यूशन तो होगा नहीं, इसका क्या होगा 0.1 इंटू 0.5 स्क्वायर और इसका क्या होगा 0.2 इंटू 0.3 स्क्वायर, ये रहा 0.1 इंटू 0.5 स्क्वायर 0.2 इंटू 0.3 स्क्वायर आंसर। तो पहला पार्ट क्लियर है, अगर ये ए में से एक्सिस पास करेगा तो क्या करना है इसमें, ठीक है यहां तक, रोटेशनल फेजेस में चलता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, पहला फेज क्या था प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, एक खत्म हो चुका है, दूसरा फेज क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, चलो ये अच्छी बात है, इसकी चीजें लिंक नहीं हो रही, अलग अलग फेज है, आए है तो आए है बात खत्म, टॉर्क है तो टॉर्क है बात खत्म, अगला लेक्चर क्या है इसका अलग अलग लेवल है, उसका लेक्चर क्या है आए और टॉर्क का कॉम्बिनेशन, क्योंकि टॉर्क अच्छे से आता है आए अच्छे से आता है तो कॉम्बिनेशन भी आता है, कुछ करना ही नहीं उसमें, ऐसे है तो धीरे 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 करके ऊपर चलेंगे। यह आखिरी टॉपिक है प्लस वन का, यह आखिरी टॉपिक है जिसके अंदर नई चीजें सीखने को मिलेंगी, जैसे वेक्टर नया था, जैसे लॉज ऑफ मोशन में फोर्सेस नहीं थी, फ्री बॉडी डायग्राम नया था, वर्क पावर एनर्जी नया था, सर्कुलर नया था, कोलिजन नहीं थी, सेंटर ऑफ मास नया था, तुम्हें कोई आइडिया नहीं था इसका, पीछे से लेना देना नहीं था, और तभी तो फिजिक्स मुश्किल हो गई थी सर्कुलर से, क्योंकि लेना देना नहीं है आपको, सब कुछ नया सीखना पड़ रहा था तो आपको मुश्किल लग रही थी। रोटेशनल मोशन आखिरी टॉपिक है जिसमें नई चीज़ है, इसके बाद जितनी फिजिक्स चलेगी वो आगे कुछ भी नया नहीं है, सब इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ कर करके चलेगी, तो मतलब थैंकफुली अगला डेढ़ साल इसी कॉन्सेप्ट के साथ चलेगा। मैं हमेशा बोलता था रोटेशनल तक ऊपर चलेंगे फिर नीचे उतरेंगे, तो ग्रेविटेशन कुछ भी नहीं है, बस सर्कुलर मोशन का ही तरह ही है, तो पुराने कॉन्सेप्ट को यूज़ कर करके फिजिक्स आगे चला करेगी अब।
तो रोटेशनल मोशन तक बेस माना जाता है प्लस वन प्लस टू का, फाउंडेशन यहाँ पर क्लोज होती है, मतलब यहाँ पर माना जाता है कि स्ट्रॉन्ग बेस बन गया। अब बिल्डिंग इसके ऊपर फटाफट फटाफट खड़ी हो जाएगी। अब कैसा भी कोर्स करा लो तुम्हें फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, नई चीज़ नहीं है, वही चीज़ें बार 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 यूज़ करेंगे। मतलब रोटेशनल कर लिया, टॉर्क सीख लिया, अब अर्थ और सन की रोटेशन कर देंगे, ग्रेविटेशन चैप्टर हो गया। पाइप के अंदर किसी बीकर के अंदर पानी घुमा देंगे, सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट हो गया। चीज़ तो वही चल रही है ना, सर्कुलर रोटेशनल, या फिर कोई लेट अस सपोज वेव की इक्वेशन हो जाएगी, वेक्टर के ऊपर चलेगी, वेक्टर का कॉन्सेप्ट है, कैलकुलस का कॉन्सेप्ट है। तो मतलब सारी चीज़ें वैसी ही चलेंगी। एक पार्ट नहीं है थर्मोडायनेमिक्स, थैंकफुली वो केमिस्ट्री वालों ने आपको कराना शुरू कर दिया, तो मेरी ज़िंदगी थोड़ी आसान है और आपकी भी। थर्मो में केमिस्ट्री यूज़ होगी एक महीना, तो केमिस्ट्री वालों के सिर पे ठीक चल पड़ेगा। तो इसमें अगला एक्सेस क्या है, अबाउट एन एक्सेस अलॉन्ग बी सी, ये लो ये रहा एक्सेस। अब जैसे ही एक्सेस होगा, इस पॉइंट का मोमेंट इनर्शिया इसके ऊपर जीरो, इस पॉइंट का जीरो, इसका क्या होगा, पॉइंट थ्री इंटू पॉइंट थ्री का स्क्वायर। इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लेना है, राइट? क्लियर है? तो इसे ऐड कर लेना आंसर। अब आपने ये क्वेश्चन होमवर्क लिखना है, होमवर्क है, अगली बार डिस्कशन होनी है इसकी। अगला होमवर्क लिखना है सातवां, आठवां होमवर्क लिखना है, नाइन्थ होमवर्क लिखना है, और टेंथ भी आपने होमवर्क लिखना है। इलेवेंथ और उसके बाद आपने नहीं करने हैं, ये हमने थ्योरी नहीं की अभी, टेंथ तक की है। तो यहाँ तक आपने ट्राई करने हैं, अगली बार इसके डाउट्स होने हैं।